ये जी हमारे पास स्पेंगेन है, ठीक है जी। ये जी कोई फिश है, पाउंड फिश कहलाती है, कोई पाउंड्स वगैरह में रखी जाती है जी, बिल्कुल। सर ये 3 फुट का एक्वेरियम है, ये फुल रेडी एक्वेरियम है। इसके अंदर सिर्फ हमने पानी डालना, प्लग इन करना है और ये रेडी हो जाएगा, ठीक हो गया। हमारा वाहिद एक पाकिस्तान में शॉप है जहाँ पे 3 कलर लाइट्स आपको मिलेंगी, बाकी कहीं पे नहीं आपको पूरे लाहौर में मिलेंगी या पाकिस्तान में बल्कि नहीं मिलेंगी। सर ये जो बाउल है ये आपके वैसे तो 400 का, लेकिन आपके थ्रू ये सब 350 का दे देंगे। वाह, थैंक यू सो मच। ये एक फ़िश का पेयर 2 पीसेस और विद डेकोरेशन, ये आपके व्यूज़ के लिए हम सेल लगाते हैं एक वीक के लिए। ये बिल्टन होते हैं, इनमें लाइट्स पंप बिल्टन होता है सारा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं मार्केट वॉइस यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम मौजूद हैं फ़िश जोन के ऊपर। अस्सलामुअलैकुम तैमूर भाई, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप तैमूर भाई ठीक हैं? आप काम? मैं ठीक ठाक। काम की सुनाए, काम कैसा चल रहा है आपका? अल्लाह का शुक्र करम, सब ठीक ठाक एवन। तो आज हमें बताइएगा, क्योंकि जो हमारे चैनल के ऊपर फ़िश के रेलिवेंट पहली वीडियो होगी, तो हमें बताइएगा कि फ़िश के अंदर कितनी कैटेगरीज होती हैं, क्या क्या इसके अंदर इनके नाम होते हैं, कितनी किस्में होती हैं और ये कितने कितने की मिलती हैं। ठीक हो गया। तो ज़रा हो सके तो वन बाय वन हमें बताइएगा। चलिए मैं आपको शुरू कराता हूँ। ये जी हमारे पास स्पेंगेन है, ठीक है जी। ये हमारे पास 300 का पेयर से स्टार्ट होती है, 300 के पेयर से स्टार्ट होती है जी। ये देखिए इसकी साइज़ में थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा सा बड़ा मिलेगा आपको। उसके बाद एक साइज नीचे लगा हुआ है इसका। अच्छा, ये सेम ही नाम है, सेम ही है जी जी। अच्छा, साइज़ के हिसाब से प्राइस भी इंक्रीज़ होती है? प्राइस भी इंक्रीज़ होती है। तो जो ऊपर लगा हुआ है वो 300 का हो जाएगा, ये वाला आपको मिल जाएगा 400 में, ये वाला 400 का। और आगे मैं देख रहा हूँ आगे काफी बड़ी फिश लगी। हाँ जी, आगे बड़ी है। इनके नाम क्या है और इनकी प्राइस? ये जी कोई फिश है, पाउंड फिश कहलाती है, पाउंड्स वगैरह में रखी जाती है जी, बिल्कुल। ठीक है जी, ठीक है। और इसकी जो प्राइस है ये आपको मिलेगा 4000 का, सॉरी 4000 का पेयर जी, ठीक हो गया। ठीक है। इसी तरह ये आगे पड़ी हुई है, इसके अंदर जैसा कि देख रहे हैं कि ये पोलर बियर्स के पीसेस हैं, ये वाले जिसपे ये ज़ेब्रा लाइनिंग लगी हुई है जी, बिल्कुल ज़ेब्रा लाइंस हैं। और ये थोड़ा आगे आते हैं तो इसके पीछे वो फ्लावर ऑन्स भी पड़े हुए हैं। पीछे मैं देख रहा हूँ एक बिल्कुल रेड सी फिश नजर आ रही है, काफी बड़ी सी, उसको क्या कहते हैं? उसे फ्लावर ऑन कहते हैं, वो अपने हेड की वजह से कहलाती है फ्लावर ऑन, उसके ऊपर ऑन सा बना होता है हेड के ऊपर। ठीक है जी। इनकी प्राइसेस क्या क्या है? और ये जो ज़ेब्रा वाली है, छोटी वाली, ये पावर बीयर का पेयर है सर जी, ये 1500 का मिल जाएगा आपको। अच्छा, ठीक है। ग्रीन टेरर का पेयर इसमें पड़ा हुआ है, ये फेर रहा है, वो आपको मिल जाएगा 1000 का। राइट। इसी तरह आगे आ जाए, आगे भी फिर कंटिन्यू वही स्पेंगेन है, पड़ी हुई है, ऑरेंज है, रेड वाइट है, इसके सारी स्पेंगियां नहीं पड़ी हुई इस वक्त, सारी पड़ी जी यही पड़ी है क्योंकि इंपोर्ट इस वक्त बंद है थोड़ी सी। अच्छा, ठीक है। वैरायटी में थोड़ा सा इशू आया हुआ है इसीलिए। अच्छा सर, एक चीज़ ये बताइएगा कि जो एक्वेरियम होता है इसके अंदर जो फिश होती है, इसकी कोई क्वांटिटी होती है कि जितनी मर्जी फिश इसके अंदर डाल रहे हैं? क्वांटिटी होती है जी। अगर एक 1.5 फुट का एक्वेरियम है तो उसके अंदर भी 5 पेयर बड़े इजीली मूव कर सकते हैं। ठीक हो गया। जितने ज़्यादा आप करें वो आप पे डिपेंड करेंगे। 5 पेयर एक अच्छी ग्रोथ करते हैं एक 1.5 फुट के एक्वेरियम के अंदर। और जो छोटा सा बाउल होता है जिसके अंदर, बाउल के अंदर आप एक पीस रख लें, कोई 2-3 इंच का हो, ठीक है। उसको पानी डेली चेंज करना पड़ता है, नहीं तो अगर पंप लगाओ फिर ठीक है। अगर पंप में डेली हमने पानी चेंज करना, उसका पानी हार्ड हो जाता है, ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, जिसके लिए आपको बॉल का पानी डेली चेंज करना पड़ता है और इसकी ग्रोथ होती है अच्छी। इन फिशेस की जो आपने प्राइसेस बताई है, दोबारा बताइएगा क्या प्राइसेस बताई आप सब? जो ये वाली अब जो इधर पड़ी हुई है सर जी, ये 350 का पेयर है, 350 का पेयर जी। और जो आगे ये सारे 350 के साइजेस के साथ, साइजेस में ये डिफरेंट प्राइजेस के पेयर हैं। बहुत ही मुनासिब है, जो लोग शौकीन हैं एक्वेरियम के, जो घर में रखना पसंद करते हैं, वो ज़रूर इनसे रब्ता करें। तो सर जी सबसे पहले हमें तैमूर भाई अपनी शॉप का एड्रेस बताइएगा। सर हमारी फिश का शॉप का नाम बर्ड एंड फिश जोन है, ये LOS नाले के ऊपर है, बिल्कुल गुलबाग बेगम मस्जिद के ऑपोजिट। ठीक हो गया। ठीक है सर। और जो लोग रब्ता करना चाहते हैं, आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है और टाइमिंग क्या है शॉप की? जो टाइमिंग है सर जी वो 1 बजे से लेकर रात 11 बजे तक होती है। राइट है जी। और हमारा जो नंबर है 0321 8495797। ठीक हो गया। 0321 4501123। ठीक है सर। और हमारे पास लोकल एक्वेरियम्स भी होते हैं, इंपोर्टेड एक्वेरियम्स भी होते हैं। वो आगे एक्वेरियम्स से रिलेटेड हर चीज़ अवेलेबल है हमारे पास। वो आगे चल के हम उनको जो लोकल एक्वेरियम है और जो यूनिक एक्वेरियम है, सारे इंपोर्टेड एक्वेरियम वो भी दिखाएंगे। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि पास और कौन कौन सी फिश पड़ी हुई है। और ये भी पाउंड फिश पड़ी हुई है, ये भी स्पेंगन है, ये स्पेंगन है, स्पेंगियन है। सर इनकी प्राइजेस क्या है? सर ये 3500 का पेयर है, ये 3500 का पेयर है। ठीक हो गया। और ये पीछे लगी हुई है, ये भी स्पेंगियन है? जी ये भी स्पेंगियन है। इनकी प्राइस सर ये आपको मिल जाएगा 400 का पेयर। 400 का पेयर, वाह बेहतरीन हो गया। और मैं आगे देख रहा हूँ, आगे भी स्पेंगियन ही शायद ये एरिया सारा स्पेंगियन का है, क्योंकि इस वक्त इंपोर्ट बंद है, फिशेस बाहर से नहीं आ रही, बिल्कुल 2 माह से बिल्कुल इंपोर्ट क्लोज हुई हुई है, जिसकी वजह से इस वक्त हमारे पास यही वैरायटी इस वक्त रह चुकी हुई है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं, आगे इनसे पूछते हैं एक्वेरियम की प्राइस क्या होती है, कितने का एक एक्वेरियम बनता है, और एक्वेरियम के अंदर लगने वाली चीज़ें जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं। चलें आप इस आपको चीज़ें एक्वेरियम से खाते हैं और एक्वेरियम के साथ लगने वाली चीज़ें भी दिखाते हैं। तो तैमूर भाई अब हमें एक्वेरियम का बताइएगा कि कितने बजट में एक्वेरियम बनता है, उसके अंदर जो डेकोरेशन की चीज़ें होती हैं वो कितने में लगती हैं, और पूरे का पूरा जो तैयार मैं देख रहा हूँ बिल्कुल वेल डिस्प्लेड एक एक्वेरियम पड़ा हुआ है, इसकी प्राइस क्या है? सर ये 3 फुट का एक्वेरियम है, ये फुल रेडी एक्वेरियम है, इसके अंदर सिर्फ हमें पानी डालना, प्लग इन करना है और ये रेडी हो जाएगा। इसमें हर चीज़ अवेलेबल है, लगी हुई है। इसमें एयर पम्प है, इसके अंदर ग्रेवल फिल्टर लगे हुए हैं, इसके अंदर टेम्परेचर गेज है, इसके अंदर 3 लाइट कलर है। ठीक है सर, वाह ये लाइट 3 शेड्स कलर है इसके अंदर। तो इसकी तैमूर भाई प्राइस क्या है? सर ये 21,000 रुपये का, सिर्फ और सिर्फ 21,000 का पूरे का पूरा सेट, पूरे का पूरा। और आगे मैं देख रहा हूँ आगे जो ये सर 1.5 फिट का आ जाता है, इसमें भी सेम इसी तरह 3 थीम कलर लाइट्स हैं, 3 थीम कलर लाइट्स। ठीक हो गया, हमारा वाहिद एक पाकिस्तान में शॉप है जहाँ पे 3 कलर लाइट्स आपको मिलेंगी, बाकी कहीं पे नहीं आपको पूरे लाहौर में मिलेंगी या पाकिस्तान में बल्कि नहीं मिलेंगी। पूरे पाकिस्तान में आपको कहीं सिर्फ 3 सिंगल कलर मिलती है, 3 कलर्स नहीं मिलते। ठीक हो गया, ठीक है। टेम्परेचर गेज भी इसमें इंक्लूडेड होती है, डिजिटल, मतलब पिछले वाले में भी टेम्परेचर जो है बिल्कुल ऐसे और आगे वाले में भी है बिल्कुल ऐसे। मोबाइल की प्राइस क्या है? ये 7500 का मिलेगा, पियानो है इसके हेड के साथ। ठीक हो गया, 7500 का। और ऊपर मैं देख रहा हूँ बड़े ही खूबसूरत से यूनिक से बाउल पड़े हुए हैं, इनकी प्राइस क्या है? सर ये जो बाउल है ये आपके वैसे तो 400 का, लेकिन आपके थ्रू ये सब 350 का दे देंगे। वाह थैंक यू सो मच। ये हमारे चैनल की वजह से जो इनके पास आएंगे कस्टमर वो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 350 का 350 का हो जाएगा। तो तैमूर भाई एक चीज़ और, जो फिशेज होती हैं उनकी जो केयर है बड़ा एक यूनिक चीज़ होती है। बड़े लोग जो शौकीन हजरात हैं वो बाय करते हैं, फिर लेते हैं, फिर घर जाके उसको रखते हैं, तो उनकी केयर कैसे की जाती है, क्या मेथड होता है ओरिजिनल, कैसे उनको फूड डाला जाए और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो उनको खिलाई जाएं तो वो ज़रा देर तक लॉन्ग लास्टिंग। सर फिश का तो ये है कि इसकी केयर बहुत ज़रूरी है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका टेम्परेचर, ठीक है, और क्लीनेंस। ठीक हो गया, ज़्यादातर लोग जो हैं वो केयर नहीं करते इस हिसाब से कि एक महीने बाद करते हैं, हर 15 दिन बाद इसका पानी 30% आपको चेंज करना पड़ता है। ठीक हो गया, राइट। और 70% आपने इसका रखना है। ठीक है, जो लोग सारा क्लीन साफ कर देते हैं पानी, ठीक है, वो फिश बैक्टीरिया ख़त्म हो जाता है, फिश मर जाती है। ठीक हो गया, मिनिमम 30% चेंज करना चाहिए पानी जब भी करना है आपने, और कोशिश ये करनी कि वीक में एक दफ़ा 30% चेंज कर दें, फिश की ग्रोथ भी अच्छी होगी और फिश बीमार भी नहीं होगी। तो अब हमें बताइएगा कि एक्वेरियम को जो चीज़ें खूबसूरत बनाती हैं वो उसमें लगने वाली, चाहे वो चीज़ें हों, वो पानी को स्मूथ करने वाली या पानी को फिल्टर करने वाली चीज़ें हों, कौन कौन सी होती हैं और वो क्या क्या हैं, और दिखाइएगा भी हमें साथ। जी सर जी ये एक्वेरियम में लगने वाले प्लांट्स हैं, ये देखें। ठीक है सर, इनकी प्राइस क्या है और इसमें कौन कौन से और डिफरेंट आर्टिकल हैं कि सिर्फ यही जो हैं वो नहीं, आर्टिकल से बहुत ज़्यादा हैं। ये देखें, इनकी प्राइसेस भी बताइए। इसकी जो प्राइस है ये 200 है। ठीक हो गया, ठीक है जी। ये पड़े हुए हैं सर जी, इनकी प्राइसेस जो हैं ये 50 रुपीज़ ईच है, 50 रुपीज़। डिफरेंट कलर्स के हैं इसके अंदर अवेलेबल। ठीक है सर, उसके बाद ये आ जाते हैं थोड़े से बिल्कुल कॉस्टली, यानी कि 60 रुपए के, 60 रुपए के चाइना के। ठीक हो गया, ठीक है सर जी, वो भी चाइना के हैं लेकिन वो बने यहाँ पे। राइट, ये फाइबर्स की डिफरेंट आइटम्स हैं, ये आगे लगी हुई, ये देखें। वहाँ से अगर देखें ये फिश डॉल्फिन है, फिश स्टारफिश है, ये सारी की सारी डेकोरेशन पीसेस हैं जो एक्वेरियम में लगते हैं। तो अगर हो सके 1 by 1 की प्राइसेस भी बता दीजिएगा। ये तमाम 600 की आपके लिए, तमाम की तमाम हमारे चैनल की वजह से 600 की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, वीडियोस को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। तो तैमूर भाई आगे चलते हैं, आगे देखते हैं जो आगे पीछे आपके ये फाइबर की लगी हुई आइटम्स लगी हुई हैं। ठीक है, शेप्स पड़े हुए हैं बड़े बड़े, ये देखें। तो एक जरा हमें उतार के दिखा सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। ये प्लास्टिक का है कि ये फाइबर के होते हैं? अच्छा, ये फाइबर का है। ठीक हो गया, इसकी प्राइस क्या है? ये 2500 का। 2500 का। तो ये कितने बड़े एक्वेरियम में आता है? ये सर जी 4 फीट में आता है। 4 फीट में आएगा। तो छोटे वाला कोई है जो छोटे वाले? छोटे शिप भी हैं जी, बिल्कुल हैं। तो बहुत ज़्यादा यूनिक किस्म के पास आर्टिकल्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर। तो जो आपको पसंद आता है आप सिंपल इज़ दैट उसका स्क्रीनशॉट लें और इनको सेंड करें। ये कितने का? ये 600 का। 600 का। अच्छा तैमूर भाई, जो लोग आपको ऑर्डर करना चाहते हैं वो आपकी शॉप पे आए कि कोई ऑनलाइन आपकी फैसिलिटी भी है? ऑनलाइन भी हो जाता है जी, और शॉप पे भी विजिट कर सकते हैं। शॉप पे वैरायटीज आती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं वैरायटीज। ठीक है, दिन तो शॉप पे विजिट कीजिए, आए। तो जो लोग ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं उनके लिए क्या मेथड है, कैसे आप ऑर्डर करें? वो हमें व्हाट्सएप कर दें, ठीक है? ठीक है, व्हाट्सएप पे हमें ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है? ठीक है, कॉल कर सकते हैं, ठीक है, विजिट भी कर सकते हैं। तो तैमूर भाई, ये तो हमें आप डेकोरेशन के पीसेस दिखा रहे हैं, इनके अंदर मैंने देखा है कि एक एक्वेरियम के अंदर लगे भी होते हैं और उनके अंदर से बबल्स निकल रहे होते हैं। बिल्कुल, वो क्या चीज़ होती है? वो अगर ये देखें, जैसे टर्टल है। अच्छा, टर्टल के अंदर ये जैसे पाइप लग जाएगा, ठीक है सर? ये टर्टल की मूवमेंट होगी कि थोड़ी थोड़ी देर बाद ये पीछे अपना शेल उठाएगा, बबल्स निकलेंगे ऑटोमेटिकली। ये ऊपर से अपना शेल उठाएगा और यहाँ से इसके बबल्स निकलेंगे। इसी तरह ये है जी, ये भी इसी तरह ये सेम फंक्शन है इसका। ये भी थोड़ी बहुत उठतेगा, बबल्स निकलेंगे इसके अंदर। इसकी प्राइस क्या है? और जो पीछे ये भी 600 का है, वो भी 600 का है। इसमें जो ट्रे में रैक में जितने भी लगे हुए सारे 600 के हैं? नहीं सर, डिफरेंट प्राइसेस के अंदर है। ये जो है 600 के स्टार्स हो गए, ये स्टार्स हो गया, ये शिप हो गया, तो जिसमें से बबल्स निकलते हैं। ये भी बबल्स इसमें से निकलेंगे, इसके साथ व्हील्स लगे हुए हैं। ये स्टारफिश है, इसके साथ इससे बबल्स निकलेंगे सारे, ठीक है सर? इसकी प्राइस क्या है? ये भी 600 की सर, ठीक हो गया। और ये है डॉल्फिन, ये भी 600 की, इसमें भी बबल्स निकलेंगे, ठीक हो गया। और ये होता है छोटी फिशेस के लिए जो डर जाती हैं छुपने के लिए, ये उनके लिए खूबसूरत सा एक वो हाउस है, ठीक हो गया। अच्छा, मैं नीचे देख रहा हूँ ये पेरिस का ये भी, हाँ जी, ये टावर अक्सर लोग की डिमांड होती है, हमने रखा था, लोगों ने पसंद किया, इसलिए हमने इसे रखा हुआ है। ये भी आपको मिल जाएगा 450 में। 450 में जी। तो ये आज खास डिस्काउंट जो दे रहे हैं, ये डिस्काउंटेड प्राइसेस आपको बताई जा रही है। और सेकंड ये मुझे बताइएगा जी, ये यहाँ पे इंपोर्टेड एक्वेरियम्स लगे हुए सारे, ये तमाम साइजेस के अंदर अवेलेबल हैं, ठीक है सर? ये बिल्ट-इन होते हैं, इनमें लाइट्स पंप बिल्ट-इन होता है सारा। अगर कोई हो सकता है तो एक चला के भी दिखा दें कैसे चलता है, वर्किंग कैसे करता है, लाइट्स वगैरह अगर कोई है तो। तैमूर भाई, आपके सामने मैं देख रहा हूँ कि डिजिटल एक्वेरियम मैंने देखे हैं, मतलब सब कुछ बना बनाया है। और ये कितने के हैं? और ये सर इम्पोर्टेड एक्वेरियम में इनके कॉर्नर्स बेंड होते हैं। अच्छा, ठीक है जी। इनमें हर चीज़ बिल्ट-इन होती है, इसमें लाइट भी बिल्ट-इन होती है, इसमें फिल्टर भी बिल्ट-इन होता है, इसमें से मैंने पानी डालना है और आपने फिश डालनी है, ठीक है? इसकी प्राइस क्या है? ये 5500 रुपए का जी। 5500 का जी। ये थोड़े कॉस्टली होते हैं लोकल से, ठीक है जी। इसके कॉस्टली होने की वजह क्या है, कोई रीजन बता सकते हैं कि? इस पे ड्यूटी ज्यादा लगती है, ठीक है? फिर जब इसने आना होता है इम्पोर्ट होके, डेफिनेटली एक वुड बॉक्स के अंदर होते हैं, फिर साइज जरा बड़ा हो जाता है, इससे इन ड्यूटी जगह ज़्यादा घेरते हैं, इन ड्यूटी लगने की वजह से ज़रा महंगे। डॉलर फिर आपके सामने कहाँ जा रहा है, ऐसे ही है, तो इस वजह से प्राइसेस इनकी ज़्यादा हैं। तो आगे वाला जरा बताइएगा। अगला जो है ये 8000 रुपये का, राइट। और आगे वाला? ठीक है जी, ये वाला आपको 10000 का मिलेगा, और ये वाला आपको 13000 में। ये दोनों सेम प्राइस में, ठीक है। और ऊपर भी मैं देख रहा हूँ ये पत्ते ग्रीन ट्री, हाँ, ये जी इम्पोर्टेड बॉल्स हैं, ठीक है सर? ये 2300 का आपको मिल जाएगा, ठीक है? 2300 का जी। ये लोकल है, ठीक हो गया। और नीचे जो मैं देख रहा हूँ ये ग्रीन पत्ते और ये जी वुड है, उसकी बनाई हुई इन्होंने प्लास्टिक की। ये 850 का चाइना का, ये ठीक है सर जी। तो इसी तरह ये पिलर्स हैं, ये 550 में। 550 में। तो आगे ये 7 स्टोन्स बने हुए हैं, फाइबर की हैं सर जी। ये 1400 का मिल जाएगा आपको। 1400 का जी। ये इंटरनल पंप्स लगे हुए सारे यहाँ पे जो पानी को साफ करते हैं। डिफरेंट हेड है, डिफरेंट पावर्स हैं इनकी। जरा एक खोल के दिखाइएगा और इसकी प्राइस जरा हो सकता है तो वो भी लोगों को बताइएगा ताकि लोगों को पता चल जाए कि कितने का है और इसके फायदे क्या क्या होते हैं एक्वेरियम में लगाने के। ये देखें 3000 रुपये का, ठीक है जी। ये 1 घंटे में 2000 लीटर पानी साफ करेगा। 1 घंटे में 2000 लीटर पानी जो है वो साफ करेगा जी। ये इसके फिल्टर होते हैं, जिस तरह एसी के फिल्टर को हर वीक हम लोग साफ करते हैं, ठीक है, उसी तरह इसके फिल्टर को भी हर वीक साफ करना पड़ता है फिश के, क्योंकि साफ करना भी जरूरी है। आपकी फिश जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी और जो फ्रेश भी रहेगी जी। ये इसके फिल्टर होते हैं, यहाँ से आप इसे साइड से निकाल लेंगे और ये वॉशेबल होता है। ये वॉश करके आप दोबारा इसको दोबारा पूरा खुल जाता है, पूरा का पूरा जी। तो जो लेना चाहते हैं वो जरूर इनकी शॉप पे आए, बहुत ही नाइस आदमी है। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं इनके पास और कौन कौन से फ़िल्टर्स पड़े हुए हैं। और बताइएगा तैमूर भाई आगे। जी आगे फ़िश फूड पड़े हुए हैं, कोजीमा का जी सर, जी कोजीमा ऑस्ट्रेलिया का जी। ठीक है तो सर, ये जरा बताइएगा कैसे फूड जो है वो डालना चाहिए फिश को और कितनी किस्म का फूड होता है फिश का जो फूड है सर जी, उसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप सबसे पहले इसके पंप बंद करें, फिर आप एक जो होता है टाइमिंग फ़िश की, जो टाइमिंग है वो 5 मिनट्स होती है। 5 मिनट में जितना फूड फिश खा ले, ठीक है, एक तो से 2 से 3 दिन आप जब डालेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा फिश मेरा फूड कितना खाती है। जितना एक्स्ट्रा फूड हो वो निकाल के आप बाहर फेंक दें। फिर आपने उतना ही फूड डालना है जितना फिश खाती है। सुबह और शाम 2 टाइमिंग होती है। ओवरफीड भी करेंगे तो फिश बीमार रहती है। ठीक है, और आगे मैं देख रहा हूँ आगे इसके अलावा ऊपर भी बहुत सारी फूड्स पड़े हुए हैं, ये सारे फिश के ही हैं, ये बर्ड्स के हैं जी ऊपर पड़े हुए। ठीक है सर, ये फिश के डिफरेंट ब्रांड्स के फूड अवेलेबल हैं। टॉपिक है, कोजीमा है, स्प्रीम है, तो इनकी अगर प्राइसेस भी पैकेट्स की बता दीजिएगा क्योंकि इसकी आपने प्राइस नहीं बताई। जी सर, ये डिफरेंट प्राइसेस हैं इसके अंदर। अब ये कोजीमा का निकाल के दिखाइएगा किस तरह, कितने वेट का होता है, कितने ग्राम, ये 1 kg का सर जी। ठीक है जी, ठीक है, 1 kg का ये आपको मिल जाएगा 1600 में। 1600 रुपये में सबसे अच्छा फूड है? नहीं, इससे अच्छे भी अवेलेबल हैं हमारे पास। ठीक है, ये डिफरेंट प्राइस के हिसाब से डिपेंड करता है। ठीक है, और इसमें हमारे पास आपको फीड भी मिल जाएगी जो 2 कलर की होती है, हाई ग्रेड फीड्स भी मिल जाएंगी। ये लगी हुई जिसने 2500 की है, थाईलैंड की है। ठीक है जी, ऑप्टिमम है, ये भी 25 3 इन 1 है। ठीक है जी, एजो अमेजोन है हमारे पास अवेलेबल, ये ताइवान का फूड है। ठीक है, ठीक है जी, ये 1100 रुपये का। और मैं नीचे देख रहा हूँ बहुत ही खूबसूरत से यूनिक से टीन है शायद, ये इसमें फूड है सर, ये टर्टल फूड है सारा। सर टर्टल फूड क्या होता है? टर्टल फूड्स, अच्छा टर्टल 6 होती हैं। वाह, ये टर्टल्स के लिए भी इनके पास जो है फूड अवेलेबल है। और मैं आपके टेबल पे देख रहा हूँ बड़े यूनिक से ये जो बाउल नज़र आ रहे हैं, ये वाटर है, क्या है ये चीज़? ये सर जी एंटी क्लोरीन है, एजो की, ये ताइवान का ब्रांड है एजो, आपसे नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। ये इसके लिए पानी के जो क्लोरीन है उसको ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक हो गया, तो मैं आपके बिल्कुल सामने बिल्कुल एक फिशेज देख रहा हूँ, ये भी वही फिशेज हैं और इनकी प्राइसेस क्या हैं? सर इसमें कोई स्पेंगिन है, थोड़ी सिगलेट्स बनी हुई हैं, ये सिगलेट्स हैं, इन्हें मीट फिशेज कहा जाता है। ठीक है सर जी, तो इसकी प्राइसेस क्या है, पेयर कितने का है इसके अंदर? जो पेयर पड़ा वो 600 का पेयर है। 600 का पेयर है जी। और आगे जो स्पेंगिन है नीचे जो पड़ी हुई है उसकी प्राइस क्या है? ये पैरेट पड़ा हुआ है इस साइड पे। ठीक है सर, ठीक है, ये इसके अंदर ये गोल्डफिश पड़ा हुआ है, ये बड़ा पेयर। शाबाश, ये गोल्डफिश है, इसकी प्राइस क्या है? गोल्डफिश का जी 3500 का। तो तैमूर भाई ये तो आपने हमें इस वाली साइड वाली फिशेस भी दिखा दी, अब हमें दिखाइएगा वॉलपेपर्स आपके पास कितने? जी ये वॉलपेपर्स लगे हैं डिफरेंट साइज के हैं, ये देखें कितने खूबसूरत से वॉलपेपर्स हैं। वाह, ये कितना स्क्वायर फुट के हिसाब से होता है? ये रनिंग फीट के हिसाब से जी। अच्छा, ये 130 रुपीज़ पर फीट है। 130 रुपीज़ पर फिट है रनिंग फिट। और कोई डिज़ाइन दिखाइएगा अगर और कोई? जी ज़रूर। और जो एक्वेरियम में लाइट्स लगती हैं वो भी आपके पास है? जी भी, वो भी अवेलेबल हैं जी। ये भी उसी सेम प्राइस में? जी सेम प्राइस में ये भी। वाह, बेहतरीन हो गया, ये 2 साइडेड है, जो सी मर्जी साइड आप लगा लें। वाह, और लाइट्स की क्या प्राइस होती है, लाइट्स कितने की होती है? लाइट सर ये एक्वेरियम पर डिपेंड करता है कि कितने फिट का एक्वेरियम है। ठीक है, लाइट्स के जो स्टार्ट है हमारे पास, लाइट स्टार्ट हमारे पास जो होती है सर जी वो होती है 600 से। 600 से, तो इसकी इनकी कोई अगर मसला वगैरह हो, रिपेयर शपेयर वगैरह? नहीं, ये रिपेयर नहीं होती सर। अच्छा, ये जो लाइट है ये सर जी है जी LED वाली है। ठीक है, और इसका जो कलर होगा वो ब्लू वाइट होगा। अच्छा, ठीक है सर, और ये SMD होगी। SMD, वाह, ये SMD की लाइट सिर्फ और सिर्फ ये आपको मिलेगी 900 रुपये में। 900 रुपये में जी। ये फिश के बेबीज़ जो होते हैं उनके लिए होता है, क्योंकि फिश अपने बेबीज़ को खा जाती है। अच्छा, उसके लिए फिर ये नेट होता है जिसको हम एक्वेरियम के अंदर लगाते हैं, बेबीज़ इसके अंदर रखे जाते हैं। वाह, बेहतरीन हो गया, तो बहुत ही यूनिक चीज़ है। हाँ जी, फिर ये एक्टिव कार्बन हमारे पास, सेरेमिक हैं, स्पॉन्ज फिल्टर हैं, हैंग ऑन फिल्टर हैं। अगर हो सकता है तो निकाल के भी दिखा दीजिएगा, लोगों को पता चल जाए। ये सर एक्टिव कार्बन है। अच्छा, ठीक है सर, ये वैसे किस लिए होता है? ये होता है जी सम्स के लिए होता है और कनस्टर फिल्टर्स के लिए होता है, ये जो लोग बड़े फिल्टर एक्वेरियम्स में लगाना चाहें। ठीक है सर, ये इनमें लगते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ठीक हो गया। इसकी प्राइस क्या है ये बड़े फिल्टर की? ये सर जी मिलेगा 26,000 का। 26,000 का, वाह बेहतरीन। और इसके नीचे मैं देख रहा हूँ ये एक्वेरियम भी बड़े में शीशे के। ये प्लांटेड एक्वेरियम है सर, प्लांटेड एक्वेरियम, ठीक हो गया। इनकी प्राइस क्या है? इससे ये डिफरेंट प्राइसेस के हैं इसके अंदर पड़े हुए हैं। ये इसके अंदर कम से कम जो साइज पड़े हुए हैं इस टाइम 5 साइज पड़े हुए हैं इसके अंदर, ठीक हो गया। ठीक है सर, ये कोई आप कह लें कि 3500 कोई 4500 का है, कोई 5,500 का, कोई 6,500 का है। डिफरेंट साइजेस वाइज इनके रेट हैं सारे, ठीक हो गया। तो तैमूर भाई आप आते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ, और आप आते हैं हम लेते हैं आपसे एक ऑफर। तो हमारे व्यूवर्स के लिए, जो हमारे चैनल के व्यूवर्स हैं, उनके लिए कोई खास पैकेज हो जो आप हमें पहले डिस्कस कर रहे थे? जी उमर भाई बिल्कुल पैकेज है आपके व्यूवर्स के लिए। ये हमारे पास एक फ़िश बॉल है, ये एक फ़िश का पेयर 2 पीसेस और विद डेकोरेशन। ये आपके व्यूवर्स के लिए हम सेल लगाते हैं एक वीक के लिए, सिर्फ और सिर्फ हमारे व्यूवर्स के लिए 500 रुपीस में, सिर्फ ओनली सिर्फ और सिर्फ 500 रुपीस में। तो बहुत ही यूनिक चीज़ है जो लोग एक पेयर डिकोर और साथ में बॉल, फिश बॉल। वाह बेहतरीन हो गया, थैंक यू सो मच। तो जो लोग आना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते के लिए है, बहुत ही यूनिक पैकेज है। अगर किसी को शौक नहीं भी है तो वो ज़रूर रखें, ताकि बच्चे जो हैं वो इससे बहुत इंटरटेन होते हैं, वो फजूल बाहर जाने से वो घर में रहते हैं। तो ज़रूर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।